हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज मुकेश आर शाह ने अपना पदभार ग्रहण किया। राजभवन में राज्यपाल सतपाल मलिक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, राबड़ी देवी सहित नीतीश कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। मुकेश आर शाह बने हैं नए मुख्य न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं मुकेश आर शाह। राज्यपाल सतपाल मलिक ने शपथ दिलाई। पटना हाईकोर्ट के 41वें न्यायाधीश होंगे मुकेश शाह। बताएं मुकेश आर शाह का जन्म 16 मई 1958 को हुआ था। 1979 में मुकेश आर शाह स्नातक हुए। 1982 में न्यायमूर्ति शाह ने LLB की डिग्री हासिल की। 1982 में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट बार में रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद मुकेश आर शाह प्रैक्टिस करने लगे। CBI समेत गुजरात सरकार के कई विभागों के सरकारी वकील रहे मुकेश आर शाह। मुकेश आर शाह 7 मार्च 2004 को गुजरात हाई कोर्ट के जज बनाए गए। 22 जून 2005 को उन्हें स्थायी जस्टिस बनाया गया। अब वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे। मुकेश आर शाह पटना हाई कोर्ट के 41वें न्यायाधीश होंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कौन है मुकेश आर शाह। 15 मई 2020 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे मुकेश आर शाह। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी नवनीत। नवनीत, मुकेश आर शाह 41वें मुख्य न्यायाधीश पटना के, क्या कुछ नई जिम्मेदारियों का सामना होगा इनका? देखिए बिल्कुल खुशबू, पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज जस्टिस मुकेश आर शाह ने अपना पदभार संभाल लिया है। और इससे पहले आज जब शाह पटना पहुंचे तो उन्हें राजभवन में बिहार के राज्यपाल सतपाल मलिक ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में ना सिर्फ पटना हाईकोर्ट के तमाम जो जज थे वो उपस्थित थे, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत विपक्ष के भी तमाम बड़े जो नेता थे और बार काउंसिल के जो मेंबर थे वो मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि जो पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मुकेश आर शाह, ये इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में बतौर सीनियर जज कार्य कर रहे थे, वहां से उन्हें पटना का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उसके बाद आज उन्होंने अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले अगर बात करें तो ये मुकेश आर शाह जो न्यायाधीश बने हैं पटना हाईकोर्ट के, वो CBI के वकील के रूप में उन्होंने अपना कैरियर जो है वो शुरू किया था और उसके बाद 7 मार्च 2004 में वो गुजरात हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में उनकी कैरियर की शुरुआत हुई थी और अब वो पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो कहीं ना कहीं काफी लंबा उनका कैरियर रहा है और काफी उनका जो है वो ख्याति रहा है। तो माना जा रहा है कि पटना में भी पटना हाई कोर्ट के जो वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो कई ऐसे फैसले रहे हैं जिनमें उनकी भूमिका काफी अहम होगी, क्योंकि पिछले कुछ माह से जो पटना जो मुख्य न्यायालय का जो उच्च न्यायालय का काम हो रहा था वो कार्यवाहक जो जज थे वो अपना काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे मुख्य न्यायाधीश के आने से पटना हाई कोर्ट में जो मुकदमों का निपटारा होगा वो उसमें तेजी आएगी और साथ ही जो काफी मामले लंबित थे उनको भी निष्पादन करने में मदद मिलेगी। तो माना जा रहा है कि अब पटना हाई कोर्ट में और जो भी मामले चल रहे हैं उन मामलों में और तेजी आएगी। इसके अलावा चूंकि बिहार में शराबबंदी एक बड़ा फैसला रहा है बिहार सरकार का और उसको लेकर के कई सारे उससे जुड़े मामले जो है इस वक्त पटना हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड है और उनसे आने वाले समय में बहुत सारे मामलों में सुनवाई होनी है, उसको लेकर के भी जस्टिस मुकेश आर शाह से सबकी निगाहें होगी। देखना होगा कि अब बिहार की उम्मीदों पर पटना हाई कोर्ट के नए जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मुकेश आर शाह वो कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी
आम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तो मुकेश आर शाह बने हैं नए मुख्य न्यायाधीश। निश्चित तौर पर काफी लंबा अनुभव है इनके पास और काफी नई चुनौतियां होंगी इनके पास। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखना होगा कि किस प्रकार से अब अपनी